दोस्तों अगर आपके पास एक मंत्रा की डिवाइस है और आपने पीसी में आप जा रहे उसे इंस्टॉल करने और आपको एरर मार रहा है MFS नॉट फाउंड, अगर इस पर यहाँ मार रहा है या फिर राइट साइड लिख के छोटा सा ऐसा आइकॉन आपको आता है या फिर सीरियल नंबर करप्टेड एरर इस प्रकार का इशू आ रहा है, तो आज की इस वीडियो में जानेंगे इसका क्या है सॉल्यूशन और किस प्रकार से आप इजीली अपने पीसी में मंत्रा के डिवाइस को बिना कोई इशू के इंस्टॉल कर सकते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को बिना एक बार स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास पहले से जो भी ड्राइवर इंस्टॉल है आपके पीसी में उसे एक एक करके अनइंस्टॉल कर लेंगे, मंत्रा के MIS बोल के हो या फिर मंत्रा RD सर्विस बोल के हो उसे अनइंस्टॉल कर लेना है। तो सिंपली आपको अपने कंट्रोल पैनल या फिर जैसे जाओगे अनइंस्टॉल प्रोग्राम के अंदर जाना है, यहाँ पे सर्च करना है मंत्रा एंड आपके जो भी ड्राइवर मंत्रा है पहले उसे इंस्टॉल कर लेना है। इसे इंस्टॉल करने का मंत्रा MIS सर्च करना है, अगर मंत्रा MFS जो भी आपके मंत्रा जितने भी डिवाइस के इंस्टॉल मेरे पास आयरिस भी है तो वो सारे को अनइंस्टॉल कर लेना है MFS इसे लिख कर यहाँ पे ये सारे को इंस्टॉल कर लेंगे। अनइंस्टॉल करने के बाद एक बार जरूर चेक कर ले कि मंत्रा की और भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल तो नहीं है आपके पीसी में, अगर है तो आप प्लीज उसे अनइंस्टॉल कर ले, नहीं तो आपको इशू देखने को मिल सकता है। अनइंस्टॉल होने के बाद आपको अपने पीसी के कचरे को साफ करना है। पीसी के कचरे सिंपली आप विंडोज पर टैप करेंगे और परसेंटेज TMP टैम फिर परसेंटेज लिखकर टेम्प्रोरी फाइल को यानी कचरे उचरे को यहाँ पे देखो मंत्रा MFS आ गया है, मंत्रा डिवाइस है, इन सबको यहाँ से हटा देंगे यानी कचरे को साफ कर लेंगे। हम यहाँ पे कचरे साफ करें जो नहीं होता हम उसे स्किप कर देंगे। उसके बाद आपको अपनी डेट एंड टाइम मिलाना है कि आपकी जो पीसी की डेट एंड टाइम है वो प्रॉपर होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का पीसी का डेट एंड टाइम खराब होने के कारण भी ज्यादातर लोगों का दिक्कत देता है। तो डेट एंड टाइम राइट क्लिक करेंगे, एडजस्ट डेट एंड टाइम के अंदर आप जाएंगे एंड यहाँ पे आप चेक कर लेंगे चेन्नई कोलकाता मुंबई न्यू दिल्ली होना चाहिए, अगर नहीं है तो डेट एंड टाइम रिलीजन सेटिंग के अंदर जाकर या यहाँ से भी एंड एडिशनल सेटिंग के अंदर जाकर आप यहाँ पर सेट डेट एंड टाइम करते हुए यहाँ पे चेंज डेट एंड टाइम को आप कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना जो रिलीजन है जहाँ टाइम जोन है उसे प्लस 5:30 होना चाहिए। बहुत लोग इंडिया समझते हो, इंडियाना सेट करो, वो एक सिटी है जैसे चेन्नई कोलकाता मुंबई न्यू दिल्ली है, आप यहाँ पे वो चीज सेट कर लोगे। सेट करने का इंटरनेट टाइम जोन के अंदर आकर एक बार अपडेट कर लोगे कि नेट पे जो टाइम है वो टाइम आपका हो जाना चाहिए। ये सारे प्रोसेस करने के बाद इंस्टॉल कर लिया, कचरा निकाल दिया और टाइम सेट कर लिया, उसके बाद आपको जाना है सिंपली गूगल क्रोम पे, वहां पे सर्च करना है मंत्रा RD सर्विस। आपको पहला वेबसाइट जाकर मंत्रा की वेबसाइट आ जाना है डाउनलोड मंत्रा कैप करके। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप देखो बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत का यूज नहीं करना है, सिर्फ दो सॉफ्टवेयर चाहिए। पहला जो लिस्ट है यहाँ देखो विंडोज डाउनलोड MFS 100 RD सर्विस एंड विंडोज डाउनलोड MFS ड्राइवर, हमें यहाँ पे 9.1.10 इसको यूज करना है, इसे डाउनलोड कर लेनी है और यहाँ पर डाउनलोड MFS RD 1.0.3। अभी जो ज्यादा इशू यहाँ था मैं जो यूज कर वर्जन वो ओल्ड वर्जन था, उस पर वर्क नहीं करता, एरर मारा था। अभी जो हम डाउनलोड करेंगे वो लेटेस्ट वर्जन करेंगे एंड ऑफिशियल वेबसाइट से करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां जाके इसे डाउनलोड कर सकते, दोनों को डाउनलोड करें, इसके अलावा नीचे और भी कोई डाउनलोड नहीं करना है। तो मैंने पहले से लाउड पर लगा दिया था, डाउनलोड कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे जो 9.0.1 है इसको इंस्टॉल हम बाद में करेंगे, पहले जो 1.0.3 है जो छोटे साइज का होगा मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा फाइल के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हो 1.0.3 ये जो छोटा फाइल 4 MB की पहले इंस्टॉल करेंगे, फिर बड़ा वाला 9.1.1 को इंस्टॉल करेंगे। तो हम इसे राइट क्लिक करने के साथ रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर इंस्टॉल कर रहे हैं। ख्याल रखिए इस बीच में आपका डिवाइस लगी है नहीं लगी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हमारा छोटा फाइल इंस्टॉल हो गया, हम बड़े फाइल को इंस्टॉल करेंगे। छोटा फाइल तुरंत इंस्टॉल होगा, बड़ा फाइल इंस्टॉल थोड़ा सा टाइम लेगा। तो हमारे पास इंस्टॉल एक पेज आ जाएगा जिसको हम कहते हैं टेस्ट पेज। अभी क्या करते हैं, यहाँ जैसे टेस्ट पे जाएगा यहाँ पर आपका सीरियल नंबर सब शो कर जाएगा, यहाँ पे इंस्टॉल यहाँ पे डिवाइस अटैच और प्लीज वेट यू हैव सक्सेसफुली कन्वर्ट डिवाइस टू आधार रजिस्टर्ड डिवाइस, काइंडली अनप्लग एंड प्लग अगेन, निकाल के फिर से आपको डिवाइस को लगाना है। तो यहाँ पर डिवाइस निकाल था, रिमूव दिख गया हमें और हम फिर से डिवाइस को लगाएंगे। देखो फार्म वर्क रेडी टू यूज डिवाइस अटैच, अब ये फार्म वर्क रेडी टू यूज आ गया, समझो आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया, कुछ नहीं करना है। डिवाइस को टेस्ट पेज करो, यहाँ पे कैप्चर टेस्ट लगेगा, बहुत लोग इसका यहाँ पे स्टार्ट कैप्चर करते हैं, यहाँ फिंगर रखकर सोचते हैं कि यहीं से काम होगा, नहीं, जब तक यहाँ लेफ्ट साइड नीचे में डिवाइस रेडी टू यूज आएगा तब तक आपका कंप्लीट इंस्टॉलेशन मानी कि 100% वर्क करने लायक नहीं होगा। इसके बाद एक छोटा सेटिंग कर लेना, आपको क्रोम ब्राउजर में जाना है एंड कंट्रोल एच हिस्ट्री टिप कर, हिस्ट्री सेट करके यहाँ पर फ्लैक्स लिखना है
और इंटर मार देना, और फ्लेक्स आने के बाद यहाँ पे सर्च करना है CERT और यहाँ पे अलाउ इनवाइट सर्टिफिकेट लोकल होस्ट, इसे डिसेबल होगा जिसे इनेबल कर लेना, पर इतना कर लो आपका मंत्रा के डिवाइस, चाहे आप UTI पे यूज करना चाह रहे हो, चाहे आप पेटीएम पे यूज करना, चाहे आप एयरटेल पे यूज करना, जितने भी पोर्टल है जिसमें वर्क करते हैं, मतलब सब पे बिना कोई एक्स्ट्रा सेटिंग, एक्स्ट्रा कोई फाइल चेंज किए हुए वर्क करने लगेगा। तो हमारा जो इशू था यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। चलिए मैं एग्जांपल टेस्ट कर दिखाऊं, मैं पेटीएम पे लॉगिन कर दिखाता हूँ वहाँ पे ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमने एग्जांपल लिया, पेटीएम पोर्टल खुला है APS और टेस्ट करते हैं, प्रोसीड करते हैं और यहाँ पे आई एम अग्री एंड कंफर्म करते हैं और यहाँ पे एक्टिव सेंसर के लिए सर्च किया जा रहा है और एक्टिव सेंसर करते हैं। तो यहाँ पे देखो पुट योर फिंगर, यहाँ फिंगर ऑप्शन हमें आ गया, यानी कि हमारा डिवाइस वर्क करने नहीं, चलने नहीं, दौड़ने के लिए रेडी हो गया। तो इस प्रकार से आप अपने मंत्रा डिवाइस को इजिली अपने PC में चाहे जो भी विंडोज हो इजिली इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपके पास एक मोरपो का डिवाइस है उसको किस प्रकार अपने PC में सक्सेसफुली इंस्टॉल करना है उसके लिए आप ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। अगर मंत्रा डिवाइस का आपका कोई वायर रिपेयरिंग करना है, डीपली जानना है कि अंदर क्या मैकेनिज्म होता है, उसके लिए वीडियो चेकआउट कर सकते हो। चला पहली बार वीडियो चाहिए तो अभी सब्सक्राइब कर ही ले।